बिहार के सबसे बड़े सियासी घराने यानी लालू प्रसाद यादव के परिवार में जल्द ही शहनाई बजने जा रही है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। वहीं आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सगाई दिल्ली में होने जा रही है। बता दें कि सगाई और शादी की तैयारी बेहद गोपनीय तरीके से की जा रही है। इस बीच दिल्ली स्थित मीसा भारती के फार्म हाउस पर सारी तैयारियां हो चुकी हैं, जहां कई बड़ी हस्तियों का शामिल होने का कयास लगाया जा रहा है। तेजस्वी यादव की शादी को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा बनी हुई है, लेकिन शादी कब है ये नहीं क्लियर हो पा रहा था। वहीं तेजस्वी यादव ने इस बात का इशारा किया था कि 2020 के चुनाव के बाद और पिता को जमानत मिलने के बाद ही वो शादी करेंगे, जहां अब वो खुशी का मौका आ गया है। तेज प्रताप यादव की शादी के लंबे समय के बाद अब लालू परिवार में फिर से शहनाई बजने जा रही है। कौन है तेजस्वी यादव की होने वाली पत्नी, ये तो हर कोई जानना चाहता है। तो बता दें कि तेजस्वी यादव अपनी दोस्त राजश्री के साथ ही शादी करने जा रहे हैं। दोनों की स्कूल लव स्टोरी शादी में बदलने वाली है। तेजस्वी यादव की होने वाली वाइफ हरियाणा की रहने वाली हैं और परिवार के साथ दिल्ली स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में रहती हैं। लालू प्रसाद यादव की 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष के नेता भी हैं। तेजस्वी लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं और उन्हें लालू का राजनीतिक वारिस भी माना जाता है। लालू यादव की गैर मौजूदगी में सारे फैसले तेजस्वी ही लेते हैं। तेजस्वी राघोपुर सीट से विधायक हैं। वे 2015 से 2017 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वहीं अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें तेजस्वी यादव आईपीएल में दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम से भी खेल चुके हैं। वे झारखंड क्रिकेट टीम का भी हिस्सा रहे। वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी हसनपुर से विधायक है। वहीं बेटे की शादी को लेकर लालू और राबड़ी देवी से भी कई बार सवाल पूछे गए, जिसे वो टालते हुए नजर आए। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव सीएम तो नहीं बन पाए, लेकिन अब वो जल्द ही दुल्हा बनने जा रहे हैं। डेली अपडेट्स पाने के लिए बने रहें द वोकल न्यूज हिंदी के साथ।